से आराम से आराम से आराम से जी। देखिए प्रतीक जी, बात विचारधारा की हो रही थी तो विचारधारा का सबसे बड़ा उदाहरण यह बलासोर आ गया, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पानी पिला रहे हैं, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, आजाद के लोग ब्लड दे रहे हैं। क्या आपने पीएफआई के सपोलों को देखा था? आपने एसडीपीआई के सांपों को देखा था? कांग्रेस के नेताओं को देखा था? नहीं, घरों में घुसे बैठे हैं और ट्विटर पे इस्तीफा इस्तीफा खेल रहे हैं। ये है विचारधारा। जब भी देश में कोई भी आपत आती है, आरएसएस बजरंग दल सबसे पहले खड़ा होता है। ये है हमारी विचारधारा। अभी विचारधारा की बात कर रहे थे, आज ही इनके मेघालय में भाजपा के मंत्री ने बयान दिया है कि लोगों को चिकन नहीं खाना चाहिए, मटन नहीं खाना चाहिए, फिश नहीं खानी चाहिए, गाय खानी चाहिए, बीफ खाना चाहिए। इनके मंत्री कहां पे, कौन सा बयान? लेकिन कर्नाटक के मंत्री ने आज बोला है इनके कि हम कर्नाटक में गौ हत्या को जैन खत्म करेंगे, वहां पर गौ हत्या जो है कानून खत्म करेंगे। ये इनकी सोच, यही कारण है कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं। गौ हत्या का धर्म की बात हो रही है, सारे लोग आपका है, तो केवल और केवल कुर्सी से है और सत्ता से। बैठिए। गांधी जी की विचारधारा है, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? अगर मैं बहुत शालीनता के साथ डिबेट कर, और ये वो डिबेट है जिसमें मैं किसी को रोकता नहीं हूं, गेस्ट में कहीं से भी आओ, चले आओ, बैठ जाओ आके, क्योंकि ये डिबेट ओपन है किसी के लिए, मैं रोकता नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलते चले जाएंगे जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलते चले जाएंगे और मैं आराम से वहां जाके उतनी दूर से नहीं ले पाऊंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा जी। इधर आइए, यहाँ आइए, आइए। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आइए जी। देखिए, ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, शांत रहो यार। जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि देश ये यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक भी नेता आपका पाक साफ है? राहुल गांधी बेल पर, प्रियंका गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, गहलोत बेल पर, चिदंबरम बेल पर, ये सारे लोग किसी न किसी केस में बेल पे हैं, बेल पे हैं, किसी न किसी केस में। जो बेल पे है वो क्या जवाब देगा? अंदर आ बेटा, मैं यार कहां से आना हुआ आपका? कहां से? महाराष्ट्र से। कैसे आना हुआ? बेटा आराम से जी। बेटा प्लीज, या तो मैं पहली बार शो करने आया हूँ, पाजी पाजी लो लो। कैसे आना हुआ मैडम? बेटे के आना हुआ। जी, क्या नाम है आपका? सुनंदा कुलकर्णी। सुनंदा, सुनंदा जी बोलना चाहती हूँ कुछ, आप बोलिए। देखिए, ना कांग्रेस ना बीजेपी, प्लीज, अगर आप सुन नहीं सकते तो आप डिबेट करने लायक नहीं है बिल्कुल भी। पाजी नहीं, नॉट पॉसिबल जी जी। हमें ना कांग्रेस ना बीजेपी को पूछना है, हमको सिर्फ जो वचन दिए थे, हमने मोदी जी को वोट दिया है, वो पूरे क्यों नहीं किए, इतना ही पूछा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। आई एम वन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, और आप पूछिए, जरूर पूछिए। और सत्ता पक्ष से सवाल, मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? जरूर पूछिए, 100% पूछिए, और पूछने का वन बाई वन जी। बेटा यहाँ आ गया, क्या नाम है आपका? अनीता विश्वास। किस क्लास में? 11th में। कुछ कहना है तुम्हें इन सारी तमाम सारी चीजों पे? कितने बेशरम, मुझे कभी कभी इतना वो किसको, मतलब एक मुहावरा है कि लाख कोशिश करो सीधी हो जाए,
नहीं होते जी। मैडम जी बेटा कुछ बोलना है तुम्हें, कोई चीज इस पे तमाम से। एक ग्यारहवीं में पढ़ने वाली छात्रा कहती है कि मुझे कुछ नहीं कहना, और तमाम सारे लोग हाथ तो छोड़िए जबान तक लगाए दे रहे हैं जमीन में कि मुझे बोलना है। दोनों हाथ दोनों पैर हवा में है, जबान जमीन पर है कि हमें बोलना है, क्योंकि अगर इसलिए बोलना है कि कहीं ना कहीं वायरल हो जाए मामला, वायरल हो जाए और हम भी जो है ना मोदी जी बन जाएं किसी तरह से, मोदी जी बन जाएं, प्राण त्याग देंगे बोलने के लिए, प्राण अभी अभी पैदा हुए हैं प्राण त्यागने के लिए कि अगर नहीं बोला तो प्राण त्याग देंगे, ऐसा उतावलापन है। बैठिए बैठिए हुजूर, बैठिए बैठिए, धैर्य से धैर्य से। शो कर, आपकी उम्र नहीं जितने इतने सालों से शो कर रहा हूं, इसलिए आराम से खड़े रहिए, बोलूंगा तभी जब नंबर आएगा तभी आएगा, ऐसे नहीं, आराम से जी। बेटा कहां से आना हो, कहां? लो 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 जी, कहां से? एक सवाल मेरा कांग्रेस से है। जरूर बोलो।